तहसील थाना क्षेत्र में हुए सामूहिक हत्याकांड ने केवल नागरिकों को ही नहीं बल्कि पुलिस अधिकारियों को भी जब्त कर दिया है। इस हत्याकांड के बाद कई बातें सामने आ रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि आलोक क्राइम शोज देखता था जिससे उसमें आपराधिक प्रवृत्ति जागी। इस संदर्भ में तहसील के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जयेश भंडारकर ने अधिक जानकारी साझा की। पत्नी बच्चों सहित पांच परिजनों की हत्या करने वाला क्रूर आलोक माटुरकर दोहरा जीवन जीने की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि वह जहां खुद की बस्ती में आवाज देने पर भी लोगों से बात नहीं करता था, वहीं अमित शाह के घर में हंगामा मचाकर पड़ोसियों को ताने मारता था। अमित शाह की मां द्वारा गालियां दिए जाने से पड़ोसियों ने मां बेटी से दूरी बना ली थी। इस वजह से रविवार की रात अमित शाह और आलोक के बीच के झगड़े की आवाज सुनाई देने के बाद भी बस्ती के लोगों ने ध्यान नहीं दिया। इस नरसंहार के पास से बागड़ अखाड़ा पटवी मंदिर गली बस्ती सहित पूरे परिसर में दहशत का माहौल है। बस्ती की गलियों में हमेशा खेलते दिखाई देने वाले बच्चों का शोर भी सुनाई नहीं पड़ रहा है। इस संदर्भ में जब वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जयेश भंडारकर ने बीसीएन से बातचीत की उस दौरान उन्होंने जानकारी दी कि उन्हें घटना स्थल से चार फोन मिले हैं जिसकी जाँच पुलिस द्वारा जारी है। इस वक्त उन्होंने बताया कि अब तक जितनी जाँच हुई है इसमें ये बात सामने आई है कि कहीं ना कहीं आलोक विकृत प्रवृत्ति का था। दिनांक 26 ते 21 मध्यरात्री पोलीस स्टेशन तहसील अंतर्गत टिमकी पाचपावली परिसरात राहणारे आलोक अशोक माटुलकर यांनी आपली पत्नी विजया, मुलगी परी, मुलगा साहिल तसेच 100 मीटर अंतर असलेले त्याचे सासरे येथील त्यांची सासू लक्ष्मीबाई देवीदास बोबडे आणि साडी अमिषा देवीदास बोबडे यांचा निर्गुणपणे खून केलेला होता आणि तपासामध्ये याचे आम्हाला भरभक्कम पुरावे मिळालेले आहेत। अमिषा आणि आरोपी आलोक यांचे काही संबंधही होते आणि या संबंधातूनच त्यांचं नेहमी भांडणं व्हायचे आणि एवढ्यामध्ये अमिषा त्याला टाळायला लागलीने त्यांच्यातील संघर्ष पुन्हा विकोपाला गेला होता। म्हणून या सर्वांची त्याने हत्या करून नंतर त्याने स्वतःला गळफास लावून फसवलेले आहे। तपासामध्ये याचा आम्हाला भरपूर पुरावा मिळालेला आहे आणि आमचा त्या अँगलने तपास सुरू आहे। तपासामध्ये घटनास्थळी एकूण आम्हाला 4 मोबाईल जप्त केलेले आहेत आणि त्याचं आता आमचं परीक्षण सुरू आहे आणि त्या परीक्षणामध्ये तपासाला अनुसरून आम्हाला काही गोष्टी ते मिळालेल्या आहेत। त्याला जे व्यसन होते आणि त्याच्या ज्या हालचाली होत्या त्या विकृत स्वरूपाच्या होते हे आम्हाला मोबाईल जप्त केलेल्या मोबाईलवरून माहिती पडत आहे। नाही, त्यांच्या मोबाईलमध्ये काही यूट्यूब चॅनल वगैरे होते त्याच्यामध्ये काही असे आक्षेपार्ह व्हिडिओ आम्हाला दिसलेले आहेत आणि त्याचा या घटनेशी संबंध नाही, परंतु त्याची सवय कशी होती आणि तो नेहमी कोणत्या विचारसरणीमध्ये वावरायचा त्याचा सायकॉलॉजीचा याच्यातून नक्कीच अभ्यास होत आहे। आम्ही संपूर्ण मृतकांच्या DNA टेस्ट करत आहोत आणि त्या अनुषंगाने DNA परीक्षण आम्ही CA कडून करणार आहोत। बताया जाता है कि किसी समय अमिषा जीजा आलोक की बेहद करीब थी। वह जीजा के कारोबार में मदद करती थी तो उसकी माँ सिलाई का काम करती थी। अमरावती से आने के बाद रिश्तों में दरार आ गई। आलोक जब भी मौका मिलता अमिषा के घर आकर विवाद करने लगता। छोटे छोटे कमरों में रहने वाले पड़ोसियों से कुछ छुपा नहीं था। झगड़ा सुनकर वे जैसे ही कमरे से बाहर निकलते लक्ष्मीबाई उन्हें गालियां देकर अपमानित करने लगती। इसके चलते पड़ोसियों ने विवाद को नजरअंदाज कर दिया था, वरना उसी वक्त दोनों का पता चल जाता। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार की रिपोर्ट।